ओए ये भी कच्चा निकल आया है। ओए मुंशी इधर मर। अब क्या हो गया इसे? जी जी मालिक आ रहा हूँ। जी मालिक। ओए निकम्मे ये कैसा बीज लेके दिया है? एक भी तरबूज पक्का नहीं है, अब ये खेत कौन लेगा मुझसे? मालिक मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर मैं ये खेत डबल पैसों में बेच दूं तो आधे पैसे दोगे मुझे? डबल पैसों में? ओए निकम्मे ये खेतों को मुफ्त में भी ना ले, डबल पैसों में तो कैसे बेचेगा? मालिक वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, बस ये बताओ आधे पैसे मुझे दोगे ना? ओए हाँ हाँ दे दूंगा तुम्हें आधे पैसे, पहले से बेच तो सही। ठीक है मालिक आप आराम से बैठो, मैं इसे बेचने का जुगाड़ करता हूँ। ये व्यापारी मुझे बेवकूफ लग रहा है, इसी को फंसाता हूँ। ओ भाई एक मिनट बात सुनना। ठीक है भाई। भाई कोई अच्छा सा तरबूज दिखा दो। तरबूज अभी दिखा देता हूँ, ये तरबूज देखो। और नहीं भाई ये तो बहुत कच्चा तरबूज है, ये वाला जो तरबूज है ये बहुत पक्का है। ये तरबूज? और भाई ये तो बहुत कच्चा तरबूज है। और भाई क्या बात कर रहे हो, मेरा इस चीज का 30 साल का तजुर्बा है, ये इन सारे तरबूजों में सबसे पक्का तरबूज है। ये जिस तरबूज का कह रहे हैं ना ये तो वाकई कच्चा लग रहा है। मेरा भी तजुर्बा है, ये तरबूज बिल्कुल कच्चा है। और नहीं भाई मैं आपको कह जा रहा हूँ पक्का है, अगर ये तरबूज कच्चा निकल आया तो मैं अपनी मूछें कटा दूंगा, अभी चेक कर लो। चलो अभी देख लेते हैं। हाँ यार ये दाना तो बहुत पक्का है, क्या बात है तुम्हारी। देख लो फिर, कहा था ना मैंने। इस तरह करो ये वाला और ये वाला तरबूज दे दो। वाह यार ये बंदा तो मुझे कारीगर लग रहा है, पिछली दफा मैंने खेत लिया था आधा कच्चा निकला था, ऐसे करता हूँ इसे साथ ले जाता हूँ, चलो कोई अच्छे से तरबूजों वाला कोई अच्छा सा खेत मुझे दिलवा देगा। भाई जरा बात सुनना। जी भाई आपका तो तरबूजों का बहुत अच्छा तजुर्बा है, मुझे भी कोई अच्छा सा खेत दिलवा दो। तरबूज का खेत? हाँ एक है सही मेरी नज़र में, लेकिन उसको लेके देने के लिए 15,000 रुपये कमीशन लूंगा मैं। हाँ दे दूंगा आपको 15,000। चलो आ जाओ फिर चलते हैं। मालिक ये देखो तरबूज का खेत, सारे तरबूज इसमें VIP लगे हुए हैं। आओ चलो चेक कर लेते हैं इसे। कर लेते हैं साहब जी, पहले चल के इसके मालिक को तो मिल लें, आ जाओ। अच्छा चलो आ जाओ। ओ हाँ हाँ भाई तुमसे जबान हो गई है, आज से ये सारा खेत तुम्हारा। ये देखें ये हैं इस खेत के मालिक, अदनान भाई ये आपका खेत लेना चाहते हैं। खेत लेना चाहते हैं? ओ भाई आप जरा सा लेट हो गया, मैंने अभी इसका 10 लाख में सौदा कर दिया। और नहीं अदनान भाई नहीं, ये खेत तो हम ही लेंगे, चाहे हमें 12 लाख में भी लेना पड़े। ओ साहब जी टेंशन ना लो, 12 लाख के लेके 20 लाख में बिक जाएगा, आप बस देखते जाओ, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। 12 लाख? लगता है अब तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। और नहीं अदनान भाई नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, 12 लाख में ये खेत हमारा हुआ, नेट कैश देंगे आपको। लेकिन पहले तरबूज चेक करा दो हमें। हाँ तरबूज चेक कराओ पहले। हाँ हाँ जरूर, आप ऐसे करो चले जाओ अपनी मर्जी का कोई भी दाना तोड़ के ले आओ। आज चले चेक कर लेते हैं। मालिक आप 15,000 मुझे किस चीज के दे रहे हो? आप यहीं पे बैठो, आप धूप में ना जाओ, मैं कोई अच्छा सा दाना तोड़ के ले आता हूँ फिर आपको चेक करवा देता हूँ। चलो ठीक है ले आओ। वाह यार मालिक ने तो सारा काम फाइनल कर रखा है। वाह वाह ये तो बहुत लाल है। चल बच्चू तुझे लाल तरबूज दिखाता हूँ। ये देखो मालिक ढूंढ के लेके आया हूँ, पूरे खेत में सबसे कच्चा यही तरबूज मिला है मुझे। अच्छा इसे तोड़ के चेक करो। हाँ साहब जी अभी लो। ये देखो साहब। वाह यार ये तो बहुत लाल है। ये लो मालिक खा के भी चेक कर लो, बाद में ना कहना। ये तो मीठा भी बहुत है। ओ भाई अभी तो ये सबसे कच्चा तरबूज है,
और जो सबसे पक्का है वो तो शहद से भी ज़्यादा मीठा है। हाँ यार वाकई मीठा तो है। अच्छा आप ये बताओ पैसे कैश दूँ या अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ? ओ भाई कैसी बातें कर रहे हो, जदीद दौर आ गया। आप ऐसे करो पैसे मेरे भांग अकाउंट में सेंड कर दो। भांगी अकाउंट? ओ साहब जी बैंक अकाउंट कह रहे हैं। अच्छा 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 ये देखो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, चेक कर लो। ओए हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास मैसेज आ गया है। ठीक है ना, अब से ये खेत साहब का हुआ। हाँ 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 ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मालिक अब सौदा तो हो गया, मेरे 15,000 तो दे दो। हैं कैसे 15,000? कौन से 15,000? अच्छा मेरे साथ फ्रॉड करते हो, देखना मेरी भी बददुआ लगेगी तुम्हें। ओए जा जा निकल यहाँ से। ओए मालिक ये कैसा खेत ले लिया, बाद में तरबूज कच्चा निकल रहा है। ये भी कच्चा, उसने तो कहा था सारा खेत पक्का है। आए मेरा 12,00,000।